प्रश्नावली 2.1, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि x-2 = 7। इसमें जो आपका चर मान है, जो x चर दे रखा है, x इसकी आपको वैल्यू निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है समीकरण को हल करके। जिसमें भी बराबर लगा होता है वो क्या होता है, समीकरण होता है। तो अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ संख्या क्या है, -2। तो इस -2 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे। बराबर के उधर जब संख्या जाती है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे x = 7 लिखा अपने। देखो इस 2 को अपन बराबर के उधर ले जा रहे हैं, तो x ऐसा किस लिखा और 7 भी ऐसा था ऐसे लिखा। ये 2 बराबर के उधर गया तो ये माइनस से किसका हो गया, प्लस हो गया। चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, बटे की संख्या गुणे में जाती है और गुणे की संख्या बटे में चली जाती है। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 7 और 2 को जोड़ देंगे, प्लस है तो 7 और 2 कितना होगा, 9। तो x का मान कितना आ गया, 9। x बराबर कितना आ गया अपना, 9 आ चुका है। तो समझ गए आप कैसे करना है, बराबर के उधर संख्याओं को पहुंचाना है और x की वैल्यू निकालना है, जो भी चर दे रखा है, x y z जो भी आपका चर हो। अब दूसरा सवाल है अपना कि y+3 = 10। अब यहाँ पे देखो y = 10, y ऐसा किस लिखा, 10 भी। अब इस 3 को बराबर के उधर पहुंचेंगे क्योंकि y के साथ संख्या है, तो वहाँ +3 बराबर के उधर जाएगा तो किसको जाएगा, प्लस से माइनस। अब 10 -3 कर देंगे तो y बराबर कितना जाएगा, 7। 10 में से 7 3 गए, कितने बचे, 7 बचे। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y = 7 आ चुका। समझ गए, बहुत ही ईजी सवाल है। स्टेप बाय स्टेप हर एक बारीकी से मैं आपको सवाल सोल्व करूँगा। अब देखो यहाँ पे जेड का मान निकालना है, तो जेड के साथ क्या है, +2। तो इस +2 को बराबर के इधर पहुँचाएंगे। बाकी संख्या ऐसे किसी रहेगी, देखो 6 और +2 बराबर के इधर आया, किसका हो गया, माइनस हो गया। बराबर में क्या बचा, जेड बचा। अब 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचा, 4। तो जेड का मान कितना गया, z = 4 आ चुका है। ठीक, समझ गए, बराबर के इधर दाएं पक्ष में हो या बाएं पक्ष में उससे मतलब नहीं है, आपको चर राशि का मान निकालना है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 दे रखा है, 3/7 +x = 17/7। अब यहाँ परिमेय संख्या भिन्न के रूप में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। x = 17/7 लिखा अपन ने। अब इस 3/7 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे। बराबर के उधर जाएगा तो प्लस की संख्या किस में पहुँच जाएगी, माइनस में पहुँच जाएगी। तो ये क्या होगा, -3/7। तो x बराबर कितना आ गया, अब देखो दोनों का हर समान है, हर ऐसा कैसे लिख देंगे, इन्हें घटाएंगे, 17 - 3 17 में से 3 गए तो कितना बचा, तो x = 14/7। 7 से 14 को में भाग दे देंगे, 7 से 14 में भाग दे कितना आ गया, x = 7 × 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ चुकी है। तो x = कितना आ गया 2। समझ गया कैसे अपन ने हल किया। ठीक, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा सवाल है कि 6x = 12। अब देखो ये 6x के साथ जो भी संख्या चर राशि के साथ दे रखी है वो हमेशा बटे में ही जाएगी। x के साथ 6 है तो ये बराबर को उधर जाएगा, किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो x = 12 लिखा अपन ने और 6 को कहाँ पहुँचा दिया, बटे में पहुँचा दिया। तो 6 पहुँच गया बटे में। x = कितना आ गया, 6 से 12 को काटेंगे कितनी बार में गया, 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। x = कितना आ गया, समझ गए। अब देखो तीसरा सवाल, छठा, कि t/5 = 10। अब t के बटे में क्या है, 5। तो बटे की संख्या कहा जाती है गुणे में, मैं बताया ना, भाग की संख्या गुणे में जाएगी। तो 5 का जाएगा गुणे में जाएगा तो 10 के गुणे में लिख देंगे। तो t = लिखेंगे अपन 10 × 5। 10 का गुणा 5 में करेंगे तो t = कितना आएगा, 10×5 = 50। t का मान क्या चुका है, 50। समझ गए, एक ही फॉर्मूला है, एक ही नियम है कि बराबर के उधर जब संख्या जाएगी तो प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, बटे की संख्या गुणे में जाएगी और चर राशि के साथ जो भी संख्या है वो बटे में जाएगी, मतलब भाग में। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखो 2x/3 = 18। अब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज या डरने की जरूरत नहीं है, पहले अपन बटे वाली संख्या को गुणे में पहुँचाएंगे क्योंकि एक्स के साथ जो संख्या है वो अभी बाद में करेंगे। यहाँ लिखा 2x = 18, ये 3/3 तो कहाँ पहुँच गया, बराबर के उधर गया तो गुणे में। अब इनका गुणा कर देंगे तो 2x = कितना आएगा, 18 × 36 = 54। अब जो चर राशि के साथ संख्या है 2, ये कहाँ चल जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। तो x = कितना आएगा, 54/2। 2 का भाग 54 में देंगे, 2 से 54 को काटेंगे तो कितनी जाएगा, 2 × 4 और 2 से 14। जब 2 का भाग दिया 54 में तो कितनी बार में गया, 27 बार में। तो x = कितना आ गया, 27 आ चुका। ठीक, समझ गए। अब देखो बराबर के उधर क्या है, y = 1/5 और बराबर में क्या है, 1.6, 1.6। तो बटे की संख्या का जाएगी गुणे में, तो 1.6 × 1.5 बराबर क्या जाएगा, वाई। जा करके लिखेंगे, वाई बराबर क्या जाएगा, संख्याओं को इधर उधर करके लिखते हैं, बराबर के उधर
तो अपन 11 करके लिखते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे। देखो अभी 10 को भूल जाओ, गुणा किसे करना है, 15 का 16 में, 15 छक्के 90 का 0 हासिल 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना होगा 24। ठीक, अब पॉइंट के बाद अंक गिनना है दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी एक अंक और यहाँ पे भी एक अंक है, तो जो आंसर आया गुणा करने पर उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, इकाई अंक से एक और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना होगा 2.4। वाई बराबर कितना गया 2.4, पॉइंट के बाद 0 माननी नहीं रहती है, ये कितना गया 2.4 वाई की वैल्यू। अब लेते हैं नवा सवाल। देखो नवा सवाल क्या है, 7x-9=16, तो अपन इस 9 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे, 7x-16 ऐसे कैसे लिखा, 9 प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा, किसका हो गया प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस है क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा 16 और 9 25। अब ये 7 का जाएगा बटे में, वो ठीक है, 7 4 राशि के साथ संख्या जो भी रहती है वो गुणे में रहती है, 7 और 1 21 में गुणे में, तो ये 7 का जाएगा बटे में, तो 100 बराबर कितना जाएगा 25/7। अब ये 7 से 25 नहीं कटेगा तो इसे यहीं छोड़ देंगे, यही आंसर आपका, आगे करने की जरूरत नहीं है, 25/7 100 बराबर। तो ये 9 सवाल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो 10वां सवाल क्या है, 14y-8=13। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 किया ऐसे ही जो है क्या लिखेंगे, -8 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे, क्योंकि 14y अभी यहीं रहेगा, तो 14y लिखा बराबर 13, 8 बराबर के उधर गया किसका हुआ प्लस का, माइनस की संख्या बराबर के उधर गई किसकी हुई प्लस की हुई, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 14y बराबर कितना जाएगा 13 और 8 कितना होगा 21। अब ये 14 है ये कहाँ जाएगा बटे में, क्योंकि चार राशि के साथ जो भी संख्या होती है गुणे में होती है, गुणे की संख्या कहाँ जाती है बटे में, तो वाई बराबर किया जाएगा 21/14 बटे में पहुंच गया। अब इन्हें अपन काट लेंगे तो 7 से काट लेंगे, कितना जाएगा 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21 कितना गया 3/2 वाई की वैल्यू क्या गई 3/2। अब लेते हैं 11वां सवाल। देखो 11वां सवाल और इजी है, बस आपको समझना है क्या करना है, पी का मान निकालना है तो 6p को यहीं रहने दो, 6p = 9, ये 17 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का था तो किसमें हो गया माइनस का, अब 17 में से 9 माइनस करना है, तो 6p = 17 में से 9 गए तो कितने बचा माइनस के 8, 17 में से 9 गए तो 8 बचे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस मत छोड़ना, -8 बचेगा, और ये पी का चले जाएगा 6/6, ये कितना जाएगा -8/6, तो पी बराबर कितना गया 2 से अपन इसे काट लेंगे तो माइनस, देखो 2 × 8 और 2 × 3 = 6, 2 से काटने का मतलब होता है 2 का भाग अंत में देना, 2 का भाग हर में देना, 2 का भाग 8 में दिया तो 4 आ गया, 2 का भाग 6 में दिया तो 3 आ गया माइनस। आखिरी सवाल है 12वां सवाल, और 6 2 पर एक्सरसाइज 2.1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो आखिरी सवाल है 10 11वां सवाल, अपन 11वां सवाल लेते हैं। दो x+(x/3+1)= 7/15, अब इस 1 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे, क्योंकि 100 का मान निकालना है, तो 1 बराबर के उधर जाएगा प्लस से किसमें हो जाएगा माइनस में, यहाँ लिखेंगे x/3 ऐसा किसे बराबर 7/15 को लिखा, अब इस 1 को बराबर के उधर पहुंचा किसका होगा माइनस का हो गया, अब 7 में से 1 मत घट देना गलत हो जाएगा, ये बटे में 7/15 माइनस 1 अलग है, तो इस 1 के बटे में कुछ नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक, अब इसे कैसे हल करते हैं, जैसे अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था परिभिन्न परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, तो मैं बता देता हूँ, 1/3 लिखा, हर कार में गुणा करना है, 15 का 1 में गुणा करेंगे 15 एकम 15, उसका होता है क्रॉस गुणा, 7 का 1 में करेंगे 7 एकम 7, यहाँ के लगाएंगे फिर माइनस, 15 का 1 में करेंगे 15 एकम 15, पहले हर कार में फिर क्रॉस गुणा है, यहाँ पे इसका इसमें और इसका इसमें, अब इन दोनों को घटा देंगे, तो 3 से 15 अपन काट सकते हैं यहीं पे, तो 3 से 15 कितने बार कट गया 5 बार में, क्योंकि ये भी बटे में और ये भी बटे में है, एक्स बराबर बराबर में काट सकते हैं इसे, है ना, गुणे भाग में मत काटना। अब यहाँ 15 में से 7 घटाएंगे, 15 में से 7 गए तो कितने बचा माइनस काट, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और बटे में क्या है 5, तो एक्स बराबर कितना हो गया -8/5। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुके हैं और पूरी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एक्सरसाइज 2.1 अच्छे समझेंगे तो 2 अच्छे समझ में आएगी, एक्सरसाइज 2.2 अच्छे समझेंगे, 3 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते जाना है, तो मैं आपको समझाता रहूँगा आप सीखते रहिए। तो एक्सरसाइज 2.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब बढ़ते अपन एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 की तरफ।